हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सिंस यू ऑल आर लॉ एस्पायरेंट स्टूडेंट, ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है कि आज अलीगढ़ एएमयू का बीएलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, ठीक है। तो हम आपके पास आंसर्स लेकर आए हैं और इसमें बहुत सारे, मतलब एक मैंने देखा है कि एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल भी नहीं था और बहुत आसान भी नहीं था। बहुतों के लिए इट मस्ट नॉट हैव बीन अ रियली केक वॉक और ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं था। तो चलिए आकर देखते हैं कि क्या है। और मैं आपको एक एज ए जेंटल रिमाइंडर के तौर पे बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन इनमें ऐसा है जिसको हमने एमएलएस ने हूबहू एग्जैक्टली जिस वर्डिंग में कराया था उसी में आया है, और बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जो वर्ड नहीं है लेकिन उस पैटर्न पे उस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो और ये याद रहे कि ये सेट ए है, हमारे पास जो मौजूद है जो क्वेश्चन, वो सेट जो है वो सेट ए है। तो आप लोग अपने क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा आंसर किसका, किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, राइट। वन टू थ्री, वन से लेकर थ्री तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। तो पहला क्वेश्चन है, वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड्स विद ईज, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, एमेच्योर कहते हैं या एक्सपर्ट कहते हैं या एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं या ग्लटनस कहते हैं। तो आप लोगों को याद होगा, जो दोनों, आपको मालूम होना चाहिए कि जो दोनों हाथों से स्किलफुल्ली लिखने में माहिर होता है, जो दोनों हाथों से आसानी से वो लिख लेता है, कोई परेशानी नहीं होती, यानी कि राइट हैंड से भी बहुत आसानी से लिख लेता है, लेफ्ट हैंड से भी बहुत आसानी से लिख लेता है, उसे हम एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं, ठीक है। ये एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं उसे, डेक्स्ट्रस उसे बोलते हैं जिसके हाथों में स्किल होती है, जो अपने हाथों से बहुत स्किलफुल होता है, ठीक है, तो उसे डेक्स्ट्रस कहते हैं। एम्बिडेक्स्ट्रस, जो अपने दोनों हाथों से जो लिखने में जो स्किल्ड होता है उसे एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं। एमेच्योर आपको मालूम है नहीं कहेंगे, जो काम इंसान अपने शौक के लिए करता है उसको एमेच्योर कहते हैं, है ना। जो जो शौक के लिए करता है उसको एमेच्योर कहते हैं, और जिसकी जिसका प्रोफेशन होता है, जिसका वो काम होता है, जिसकी ब्रेड एंड बटर उसी से चलती है, ठीक है, जिसकी रोजी रोटी उससे चलती है, वो प्रोफेशनल होता है, ठीक है। इसलिए जैसे प्रोफेशनल रेसलर होते हैं और एमेच्योर रेसलर होते हैं, और एक्सपर्ट आपको मालूम है कि एक्सपर्ट यानी कि माहिर, लेकिन वो माहिर नहीं, यहाँ पर एम्बिडेक्स्ट्रस वर्ड होगा। ग्लटनस आपको मालूम है, जो बहुत ज्यादा खाने वाला जो होता है, ग्लटनस उसे बोलते हैं, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, टू प्रेजेंट अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस, यानी के जो, मतलब खिलाफ दलील पेश करना, ठीक है, खिलाफ आर्ग्यूमेंट पेश करना, अपोजिंग आर्ग्यूमेंट। आपने कुछ कहा कि नहीं, सूरज जो है पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसके किसी अगेंस्ट में अपोजिंग आर्ग्यूमेंट देता है, नहीं द सन राइजेज इन द वेस्ट, तो उसको क्या कहते हैं, रिबर्ट, क्रिटिसाइज, रिबफ या रेप्रीमेंड। तो आपको मालूम होना चाहिए किसका आंसर है, रिबर्ट। रिबर्ट का मतलब होता है किसी के दलील को, किसी की गवाही को रद्द कर देना, झूठा साबित कर देना, ठीक है। तो अपोजिंग आर्ग्यूमेंट जब तक नहीं होगा आप किसी को झूठा साबित नहीं कर सकते, राइट, तो रिबर्ट होगा। क्रिटिसाइज आपको मालूम है, आलोचना करना, तनकीद करना, और रिबफ का मतलब होता है किसी को रिबफ कर देना, किसी को रद्द कर देना, मतलब इसी तरह से जैसे आपने कोई बात कही, किसी ने अपना ओपिनियन दिया, हा चलो जाओ, रिबफ कर देना, है ना, उसको डिसअप्रूव कर देना, काट देना उसको। रेप्रीमेंड बोलते हैं निंदा करना, डांटना, डांट लगाना, फटकार लगाना, तो ये भी नहीं होगा, रिबट होगा, क्लियर होना चाहिए ये, ठीक है। और इस तरह का जो रिबट है उसके मतलब भी हमने आपको बताए हैं, क्रिटिसाइज का क्या मतलब होता है वो भी हमने बताया, रिबफ का क्या मतलब होता है, रेप्रीमेंड का क्या मतलब होता है, अगर आपको इसका मतलब मालूम होगा तो आई डोंट थिंक यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए, ठीक है, तो रिबट होगा इसका। तीसरा देखते हैं हम, थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टचड, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसको छुआ जा सके या जिसे महसूस किया जा सके, पैल्पेबल, इसका आंसर होता है पैल्पेबल, ठीक है, पैल्पेबल उसको बोलते हैं जिसको आप छू सकें
या उसे महसूस कर सकें। ठीक है, पेडेंटिक किसे कहते हैं? पेडेंटिक जो किताबी बातों में, किताबी बातों को और बाकी दुनियावी बातों से वो मतलब ज्यादा तरजीह देता है, किताबी किताब में जो लिखा है उसको ज्यादा तरजीह देने वालों को पेडेंटिक कहते हैं। पेडेंट से आया ये एडजेक्टिव है, यानी कि अपने इल्म की नमूदो नुमाइश करना, शो ऑफ करना, इल्म को बड़ी फखरिया लोगों के सामने रखना, यानी जो उसने किताबों में पढ़ा है बस उसी को बेहतर जानना, सुपीरियर जानना, जो तजर्बे से जो इंसान सीखता है उसको हेच जानना, उसको कमतर जानना। यानी कि एक वो बड़ा मशहूर शेर है कि यूं किताबों में दर्ज था ही नहीं जो सिखाया सबक जमाने ने, जो आपको जमाना सबक सिखा देता है, जो जिंदगी के तजर्बात से जो आपको मिलता है वो आपको किताबों में दर्ज नहीं होता। जो लोग किताबों की बातों को इतनी अहमियत देते हैं कि जिंदगी में जो भी एक्सपीरियंस हो वो उसके आगे कुछ भी नहीं किताबों के आगे, तो उसे पेडेंटिक कहते हैं, उस इंसान को जो ऐसा रवैया रखता है। पैल्पेबल उसे कहते हैं, जिस चीज को आप महसूस कर सकें, छू सकें, ठीक है, उसको पैल्पेबल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, जो सेक्शन है वो क्वेश्चन 4 से लेकर 9 तक, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि जो आपको ऑप्शन अप्रोप्रिएट लगता है उससे आपको इस खाली जगह को भरना है, इस ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। तो क्या है? वेरी ऑफन वी डू नॉट गेट वट वी पाइन, और ये मैंने इस तरह का भी एग्जाम्पल करवाया, पाइन का मतलब होता है तरसना, पाइन का मतलब होता है चाहत रखना, पाइन का मतलब तड़पना, लालसा होना, ख्वाहिश होना। तो वेरी ऑफन अक्सर वी डू नॉट गेट व्हाट वी पाइन, हमें वो हासिल नहीं होता जिसकी हम तमन्ना करते हैं। तो पाइन के साथ आप याद रखिएगा कि फिक्स प्रीपोजिशन होता है यू पाइन फॉर समथिंग, ठीक है, यू पाइन फॉर समथिंग, क्या होता है, यू पाइन फॉर समथिंग। अब आप देखिए इसमें, एक सेकंड में जरा सा रिवाइज करूंगा इसको, मैंने शायद इससे पहले क्वेश्चन में अंडर क्वेश्चन मार्क नहीं, आंसर मार्क नहीं किया मैंने। चलिए पैल्पेबल इसका आंसर होगा, इसका आंसर पैल्पेबल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये भी हो गया है, वी पाइन फॉर, पाइन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है वो होता है फॉर, यानी कि हम किसी चीज की, वी पाइन फॉर सक्सेस, वी पाइन फॉर पॉपुलैरिटी, ठीक है, वी पाइन फॉर एक्सेप्टेंस, तो वहां पर फॉर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये भी फिल इन द ब्लैंक का है, समटाइम्स वी हैव टू पुट डैश विद अनप्लीजेंट सिचुएशंस, तो ये भी मैंने आपको हाल ही में जब हम लोग करवा रहे थे वो आपका जो मैराथन में और इससे पहले जितना भी हो रहा था उसे मैंने आपको बताया था कि पुटअप जो होता है इसका आंसर है डी, इसका आंसर होगा पुटअप। पुटअप विद का मतलब होता है किसी चीज को आप बर्दाश्त करते हैं, है ना, यू हैव टू पुटअप विद अनफ्रेंडली बिहेवियर ऑफ योर नेबर्स, यानी आपको अपने पड़ोसी के अनफ्रेंडली बिहेवियर से, खराब बर्ताव से आपको झेलना पड़ता है, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। पुटअप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, है ना, टॉलरेट करना, टॉलरेट, तो ये पुटअप होगा, ऑन नहीं होगा। पुट ऑन का मतलब होता है पुट समथिंग ऑन, कोई चीज पहन लो, कोई चीज डाल लो अपने बदन के ऊपर। पुट इन का मतलब होता है किसी चीज को अंदर रख लेना, पुट ऑफ का मतलब होता है सस्पेंड, कैंसिल कर देना, है ना, सस्पेंड कर देना कोई चीज, अभी मुअत्तल कर देना कोई चीज, ठीक है, ये होगा। अब नेक्स्ट देखिए, द हाई प्राइस इज अ मेजर हिंड्रेंस डैश पोटेंशियल बायर्स, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, और हिंड्रेंस अपने साथ जो है प्रीपोजिशन क्या लेता है, टू लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन होता है हिंड्रेंस के साथ, टू लेता है, इसका मतलब क्या हुआ, और ये जिसने भी किया है बहुत ही मतलब ही इज एब्सोल्युटली राइट, कि हाई प्राइस इज अ मेजर हिंड्रेंस टू पोटेंशियल बायर्स, जो कीमतें जो बढ़ जाती हैं किसी चीज की, तो वो जो खरीदने वाले जो लोग होते हैं, जो पोटेंशियल बायर है, यानी कि उनके अंदर पोटेंशियल है कि अब वो मेरे बायर हो जाएंगे, मेरे कस्टमर, मेरे क्लाइंट हो जाएंगे, उनके लिए बढ़ी हुई कीमत जो होती है वो बहुत बड़ी रुकावट होती है। हिंड्रेंस का मतलब रुकावट होता है, ऑब्स्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, What looks obvious dash hindsight was not at all obvious at that, ठीक है,
What looks obvious, अब hindsight के साथ जब होता है, hindsight का मतलब जो आप पीछे की तरफ देखते हैं, अपने अतीत की तरफ झांक के देखते हैं, या फिर मतलब कोई इंसिडेंट आपको पहले हुआ, या आप मतलब कोई इंसिडेंट आप पीछे की तरफ देखते हैं, आप जब hindsight की तरफ देखते हैं मतलब पीछे की बात को दोहराते हैं, कोई बात आप याद करते हैं कि उस वक्त में ऐसा हुआ था, तो अभी आप कैसा महसूस करके वो आप कभी ऐसा महसूस करते होंगे कि जब hindsight में आप जाते हैं तो आप ये देखते कि उस वक्त ऐसा हुआ था, तो अच्छा हुआ कि इस तरह हुआ, अगर वो ना होता तो आज ये ना होता। जब इस तरह की फीलिंग जब आती है, जब इंसान अपने हाइंडसाइट पे जाकर जब सोचता है, तो उसके साथ बेटे ये आता है इन, ठीक है, इन आता है व्हाट लुक्स ऑब्वियस इन हाइंडसाइट, जो हाइंडसाइट में बहुत ऑब्वियस दिखता है वाज नॉट एट ऑल ऑब्वियस एट दैट टाइम, उस वक्त वो उतना ऑब्वियस नहीं होता। जैसे बहुत सारी गलतियां हम करते हैं अपनी जिंदगी में, जब वक्त गुजर जाता है तो हम फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या गलती हुई, तो वी गो इन हाइंडसाइट, हम हाइंडसाइट में जब देखते तो ऐसा लगता हम ऐसा ना करते, ऐसा करते, तो बहुत क्लैरिटी होती उस टाइम पे कि ये ना करके ये करते, लेकिन उस वक्त उतना ऑब्वियस उतना क्लियर हमारा व्यू नहीं होता है। तो वही हाइंडसाइट का मतलब वही है कि पीछे की तरफ मुड़ के देखना, जब हम पीछे पलट के देखते हैं, जब अपने जिंदगी के पन्नों को पलट के देखते हैं पीछे की तरफ, तो यही मतलब हाइंडसाइट का मतलब निकल कर आता है, ठीक है। और ये हाइंडसाइट का मतलब भी बताया गया कई बार क्लास में। अब ये देखिए, ही हैज बीन विनिंग द इलेक्शन but this time his popularity is on the dash, he may not win this time। तो sentence से साफ समझ में आ रहा है कि उसकी popularity जो है, उसकी पॉपुलैरिटी जाहिर सी बात है कि कम हुई है, तभी तो वो इस बार इलेक्शन में नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वो सारा ही हैज बीन विलिंग द इलेक्शन, वो इलेक्शन जीतता आ रहा है, बट दिस टाइम हिज पॉपुलैरिटी इज ऑन द डैश, ही मे नॉट विन दिस टाइम, लेकिन इस बार क्या है वो नहीं जीत सकता। जाहिर सी बात है पॉपुलैरिटी उसकी कम हो रही है, तो जब पॉपुलैरिटी ऑन द वेन होती है इसका मतलब होता है कि पॉपुलैरिटी घट रही है, अगर राइज कर देंगे तो सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है ये, और असेंडेंस का मतलब भी वही होता है राइज करना, डिक्रीज का मतलब ऑन द डिक्रीज नहीं होता, ठीक है, डिक्रीज एज ए वर्ब यूज होता, नाउन के रूप में बहुत कम यूज होता, और यहां पे बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट होगा अगर आप डिक्रीज, आपकी चॉइस अगर डिक्रीज है तो ऑन द वेन का मतलब होता है घटना, ठीक है, द मून इज ऑन द वेन, जैसे सूरज घट, चांद जो है घट रहा है ना, घटता बढ़ता रहता है उसके साइज में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, वी नेवर बिलीव्ड दैट he would resort to dash in order to achieve his end, he was regarded as an honest man। यहाँ पर ये sense बन रहा है कि हम लोगों ने, हमें कभी यकीन नहीं था कि वो इस तरह का काम करेगा अपने मकसद को पाने के लिए, ठीक है, वो इस तरह का काम करेगा अपने मकसद को पाने के लिए, he was regarded as an honest man, वो तो एक ईमानदार आदमी समझा जाता था, उसकी बड़ी, एज ए ईमानदार आदमी की तरह उसकी बड़ी इज्जत थी, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, लॉजिक तो नहीं होगा, ठीक है, कनिंग होगा, तभी तो वो इस तरह की बात कर रहा है कि मुझे नहीं मालूम था कि वो इस तरह का अपने मकसद को हासिल करने के लिए ऐसी हरकत करेगा, तो जाहिर सी बात है कनिंग एक खराब हरकत है, चालाकी मक्कारी, ठीक है, लेकिन कनिंग क्यों नहीं होगा, बिकॉज कनिंग यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह है, यहाँ पर हमें नाउन चाहिए, रिजॉर्ट टू कनिंगनेस होना चाहिए, लेकिन कनिंगनेस नहीं है, ऑप्शन में आपका कनिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या होगा, लॉजिक तो नहीं होगा, डिप्लोमेसी आप सोच सकते हैं कि है, लेकिन डिप्लोमेसी इज अ पॉजिटिव वर्ड, डिप्लोमेसी उसे बोलते हैं कि अपने मतलब अपनी अक्ल से, अपने दिमाग से किसी हॉस्टिलिटी को ख़त्म कर देना, कोई मसले को सुलझा देना, दो मुल्कों के बीच में अच्छे ताल्लुक को बना देना, ठीक है, उसको डिप्लोमेसी कहते हैं। और क्या होगा, सटरफ्यूज, सटरफ्यूज का मतलब होता है धोखा, डिसेप्शन, यानी कि डिसेप्टिव ट्रिक कह लीजिए, डिसेप्टिव स्ट्रेटजी कह लीजिए, तो सेंटेंस क्या, वी नेवर बिलीव दैट ही वुड रिजॉर्ट टू सटरफ्यूज, यानी कि हमें यकीन नहीं था कि वो इस धोखाधड़ी पे, धोखे पे उतर आएगा इन ऑर्डर टू अचीव हिज एंड, अपने मकसद को हासिल करने के लिए, he was regarded as an honest man, उसे तो एक ईमानदार आदमी समझा जाता था, ठीक है, तो इसका सटरफ्यूज होगा। अब इसका देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, ये इस क्वेश्चन का बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है,
इस सेंटेंस में क्या करना है कि देयर इज एन एरर इन वन ऑफ द पार्ट्स एंड यू हैव टू सिलेक्ट द इनकरेक्ट पार्ट। ये क्वेश्चन 10 टू 12 है, तीन क्वेश्चन इस तरह के हैं। तो अब किस पार्ट में गलती है, हमें ये देखना है किस पार्ट में गलती है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि नेवर आई हैव लिसेंड टू सच ब्यूटिफुल म्यूजिक एज द पीस वी हर्ड ऑन द रेडियो लास्ट नाइट। यहां पर गलती कहां है, तो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मुझे समझ में आया कि यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों ए और बी दोनों गलत है, लेकिन आपको तो यू हैव टू चूज एनी वन, लेकिन आपको तो कोई एक ही पार्ट एरर वाला दिखाना है आपको। तो अब यहां पे मसला एक आ गया कि कौन सा सही है, एग्जामिनर किसे कंसिडर करेगा, चूंकि यहां पर क्या होना चाहिए, नेवर हैव आई लिसेंड, जब भी नेवर वगैरह पहले आता है तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, हैव पहले आ जाता है, ठीक है। नेवर हैव आई लिसेंड, एक तो ये गलत है, यानी कि ये दोनों जो है बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है, बोथ आर इनकरेक्ट है ये, ठीक है। अब लेकिन आंसर कौन सा होगा, आप ये जरूर सोच रहे हो कि आंसर कौन सा होगा। तो देखो, जिस बच्चों ने ए को टिक किया है वो भी सही है, जिस बच्चों ने बी को टिक किया है वो भी सही है। वजह क्या है कि यहां तो आपको होगा कि यहां पर ऐसा होना चाहिए कि नेवर हैव आई लिसेंड टू सच अ ब्यूटीफुल, यहां पर क्या है आ मिसिंग है आर्टिकल, टू सच अ ब्यूटीफुल म्यूजिक एज द पीस वी हर्ड ऑन द रेडियो, ये आर्टिकल का मिसिंग है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, एग्जामिनर इतना समझता है इस बात को। तो दोनों में गलती है, लेकिन क्या है कि टू सच अ ब्यूटीफुल म्यूजिक, तो जो दोनों बी जो कि मेरे हिसाब से तो यही है कि जिन्होंने बी किया है वो भी सही है, जिन्होंने ए किया वो भी सही, क्योंकि दोनों गलत है। टू सच ब्यूटीफुल म्यूजिक नहीं, टू सच अ ब्यूटीफुल म्यूजिक, इस तरह का सेंटेंस होता है। और नेवर हैव आई होना चाहिए, नेवर आई हैव नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब जो है चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए ये है 11 क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इसमें एक पार्ट में गलती है, वो कौन सा पार्ट है, आई हैव वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 6 years बट आई नाउ वर्क इन अ डिफरेंट ऑफिस। तो यहाँ पे गलती, बहुत ही ग्लेयरिंग मिस्टेक एरर है यहाँ पर, यहाँ पे जो है आपका आंसर सी है, बट नाउ आई वर्क होना चाहिए, बट नाउ बट नाउ आई वर्क, ठीक है। बट नाउ आई वर्क, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए, राइट, करेक्ट। तो फिर ये गलत है, सी पार्ट इसका गलत है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया है, He would not have written this letter if he would not have heard the news. यहाँ पे बहुत ही आसान सा है ये, सी गलत है, ठीक है। और इस तरह का मैंने जब हम लोग जब पढ़ा रहे थे तो ये इसका मैंने बताया था कि इसका एक स्ट्रक्चर होता है, अगर होगा he would not have written this letter, तो यहाँ पर होगा if he had not heard होना चाहिए यहाँ पर। ये क्या होगा यहाँ पर, यहां पर यह होना चाहिए if he had not, ये होगा, हर्ड तो नीचे वाला आ गया, नीचे के पार्ट का हो गया है, उसे हटा देते हैं, ठीक है। If he had not, ये होना चाहिए, If he had not heard the news, इसीलिए C part आपका गलत है, right? चलिए अब ये देखते हैं, ये क्या है, indirect, ये direct indirect speech है, क्या है question में, What a relief to know that the girl has passed, I exclaimed,
नाउ शी कैन गेट अ जॉब। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस है ये। जब इस तरह का एक्सक्लेमेशन का जब सेंटेंस होता है तो हम अपनी तरफ से लगा देते हैं कुछ जॉय सॉरो इस तरह का। तो आई एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इसमें सब देखिए इसमें क्या है कि आप सबसे पहले हमें किसे कंसिडर करना है, बी को हमें हटा देना है। बी तो बिल्कुल नहीं होगा, वजह यह है बी को हटा देना है क्योंकि इट इज अ ग्रेट रिलीफ होगा, नहीं इट वॉज अ ग्रेट रिलीफ होना चाहिए, तो इसलिए खत्म हो गया। ठीक है, अब हम सी की तरफ देखते हैं, इट वॉज है, यहां भी इट वॉज है। अब हम यहां देखिए, यहां पे नाउ है तो हम इसको भी हटा देंगे। ठीक है, यहां पर क्या है, नाउ, नाउ जो है चेंज होकर इनडायरेक्ट में देन हो जाता है, इसीलिए हम यहां नाउ है इसीलिए हम इसको रूल आउट कर देंगे। हम इसी तरह कैंसिल आउट करते जाएंगे आसान बनाने के लिए। ठीक है, जहां पे जो मिस्टेक होगा, जहां पे जो रूल फॉलो नहीं हो रहा हम उसे कट आउट कर रूल आउट करते जाएंगे। ठीक है, कैंसिल आउट, तो बी भी कैंसिल आउट, सी भी कैंसिल आउट। अब बचा क्या, ए और डी बचा हमारे पास। तो यहां क्या है, यहां पे विल है, विल नहीं होता है इनडायरेक्ट में, वुड हो जाता है वो। ठीक है, तो इसीलिए इसे भी कैंसिल कर देंगे, तो आपका आंसर ये बनेगा। अब देखिए आप, आई एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ ग्रेट रिलीफ, क्योंकि आपका जो ये है ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, इसलिए हम पास्ट में सेंटेंस होगा दैट इट वॉज अ ग्रेट रिलीफ टू नो दैट द गर्ल हैड पास्ट। अब हैज है, द गर्ल हैज पास्ट, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। द गर्ल हैड पास्ट एंड देन शी वुड गेट अ जॉब, नाउ जो है बदलकर देन हो गया है। ठीक है, देन हो गया है, यहां पर नाउ था अब यहां पे देन हो गया। इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो नाउ देन में बदल जाता है, तो यहां पर सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, तो आपका आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, द ट्रेवलर इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, हमें इसका डायरेक्ट देखना है। क्या कह रहा, द ट्रेवलर इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर, ट्रेवलर ने फार्मर से, किसान से तफ्तीश किया, पूछताछ की, क्या के इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन, जो सबसे करीब जो सराय है, ठहरने की जगह को इन बोलते हैं, होटल वगैरह समझ लीजिए, क्या आप बता सकते हो उसका रास्ता किधर है, उसका रास्ता कहाँ है। तो अब यहां देखिए, द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर वेयर इज द नियरेस्ट इन, तो इसे हम खत्म कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, वेयर लगा हुआ है, जब वेयर डब्ल्यू एच फैमिली का क्वेश्चन हो जाए तो इफ और वेदर नहीं लगता, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे यहां से। अब यहां भी डब्ल्यू एच फैमिली का लगा हुआ क्वेश्चन है ये, इसे भी हम कैंसिल कर देंगे। हमें यस नो का क्वेश्चन देखना है क्योंकि इफ लगा हुआ है। अब यहां पर यस नो का क्वेश्चन है तो बी सी और डी में एक टसल है यहां पर, तो हमें देखेंगे सी होगा या डी होगा। अब ये देखिए, द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, ये यहां पर हो गया। अब यहां पर कैन यू टेल मी वेयर इज द नियरेस्ट इन, वेयर इज द, यहां भी वेयर आ गया डब्ल्यू एच फैमिली, तो इसे भी हम खत्म कर देंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, अब ये देखिए वेयर इज द नियरेस्ट इन, ये फार्मर से ही पूछ रहा है। ठीक है, फार्मर से पूछ रहा, ट्रेवलर पूछ रहा, तो कह रहा वो उसका क्या होगा इसमें, इफ ही कुड टेल हिम, तो यहां क्या है यू ही में बदल गया क्योंकि यू जो है फार्मर के लिए आया है। ठीक है, फार्मर के लिए आया है तो फार्मर के लिए ही हो गया। अब मी जो है यहां पर मी था वो हिम हो गया क्योंकि हिम ट्रेवलर के लिए है। ठीक है, क्लियर, ये बिल्कुल रूल पे फिट बैठ रहा है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई सिस्टर सेड टू मी आई सेंट यू द बुक। अब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है और ये सिंपल पास्ट में है। ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है ये सिंपल पास्ट में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में हो और वो सिंपल पास्ट में हो तो वो उसको पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस हो वो सिंपल पास्ट में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ठीक है, तो आपका माई सिस्टर टोल्ड मी दैट शी हैड सेंट मी द बुक, तो ये सही होगा। ठीक है, लेकिन अगर दो एक्शन हो, ठीक है, लेकिन अगर दो एक्शन हो तो वहां पर क्या होता है कि एक अलग सेंटेंस होता है वो, कि दो एक्शन हो तो फिर उसको सिंपल पास्ट में ही बना देते हैं आप उसको। ठीक है, वो आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे आई आई एट माई लंच बिफोर माई वाइफ केम,
इस तरह अगर सेंटेंस है तो हम कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में ऐसा नहीं करना, इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ए ज्यादा अप्रोप्रिएट है इन कंपैरिजन टू डी के, ठीक है। ये भी कई जगह सही माना जाता है, लेकिन व्हेन ग्रामेटिकली स्पीकिंग ए ज्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए, मैंने आपको ये पढ़ाया था, देखिए ये बिल्कुल जो है इसका हम पढ़ा चुके हैं, एक्वीज एक्वीज, इसका मैंने पढ़ा था एक्विजेंस, एक्विजेंस का मतलब होता है रजामंदी, नोड, कंसेंट। तो इसका नियरेस्ट इन मीनिंग क्या होगा, कंसेंट होगा इसका नियरेस्ट इन मीनिंग, ठीक है, नियरेस्ट इन मीनिंग कंसेंट होगा। टू नो समवन अपोज का मतलब होता है मुखालफत करना, ठीक है, विरुद्ध में होना, है ना, विरोध करना। हैम्पर का मतलब रुकावट डालना, रोकना। तो कंसेंट का मतलब होता है रजामंदी, और एक्विज का मतलब होता है कि आप मान जाते हैं, एक्विज का मतलब मान जाना, सरेंडर कर जाना, सबमिट कर देना अपने आप को। तो जब तक वो मानेगा नहीं, कैसे सबमिट करेगा, कैसे सरेंडर कर जाएगा वो, तो एक्विज होता है इसका आंसर, एक्विजेंस मैंने बताया है, ठीक है, ये उसका वर्ब है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, लैसिट्यूड, ठीक है, लैसिट्यूड का मतलब होता है स्लगिशनेस, यानी कि टायर्ड, ठीक है, थका हुआ, हारा हुआ, एग्जॉस्टेड, स्लगिशनेस। स्टैग्नेशन नहीं होता, स्टैग्नेशन बोलते हैं एक जगह जो ठहर जाता है, कोई चीज ठहर जाती है। जेनरोसिटी ये भी नहीं होगा, और डेलिकेसी, डेलिकेसी का मतलब टेस्ट, जो इसके नजाकत, जो इसका लुत्फ, जो इसका मजा, नजाकत, डेलिकेसी उसको बोलते हैं, डेलिकेट से आया ये डेलिकेसी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये है रिफ्यूट, ठीक है। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, खंडन करना, यानी कि किसी को गलत साबित करना, ना मंजूर कर देना। तो इसका क्या होगा, इसका डिसअप्रूव होगा, डिसप्रूव, आपने अप्रूव नहीं किया, वो डिसप्रूव हो गया, तो इसका सिनोनिमस रिफ्यूट का डिसप्रूव हो जाएगा। फ्रस्ट्रेट, वॉइड, हिंडर, हिंडर नहीं होगा, हिंडर का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, हैम्पर ये मतलब होता है, हिंड्रेंस इसी से बना है, हिंड्रेंस हिंडर से ही बना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं श्रिउड, क्या है श्रिउड, श्रिउड का मतलब होता है चालाक, ठीक है, चालाक। तो इसका सिनोनिमस क्या होगा, नियरेस्ट इन मीनिंग क्लेवर, नाइव इसको ऑपोजिट हो जाएगा, रॉ इसको ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। रॉ का मतलब कच्चा, अभी रॉ है, अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ इसको, जो श्रिउड हो जाएगा, ठीक है। तो एंटोनिमस हो सकता है, बट नाइव इज द मोर करेक्ट एंटोनिम, ठीक है, ये ज्यादा करीब है, ज्यादा ऑपोजिट है ये श्रिउड के, नाइव, यूथफुल भी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, मोरोस, एग्जैक्टली ये वर्ड पढ़ाया गया है कि मोरोस का मतलब क्या होता है, उदास होना, है ना, इन अ स्टेट ऑफ सलन, इन अ स्टेट ऑफ ग्लूमी, है ना, ग्लूमी के स्टेट में होना, उदास होना। तो इसका क्या हमें देखना है, हमें ऑपोजिट देखना है, तो इसका क्या होगा, चीयरफुल होगा इसका आंसर। जब कोई उदास होता है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, चीयरफुल, हार्मलेस नहीं होगा, डिसेंट भी नहीं होगा, अनयूजुअल भी फिट नहीं होता, ठीक है, चीयरफुल इसका आंसर है मोरोस का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, मतलब मैंने काउंट किया तो ऑलमोस्ट अराउंड, मतलब 20, ऑलमोस्ट 20 तो ऐसे हैं जो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आ गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, बस थोड़ा बहुत सेंटेंस हल्का फल्का इधर उधर हो गया है, बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको पढ़ाया गया है, रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं उसके, बस उस पर थोड़ा सा, बस उस रूल रेगुलेशंस पे सारे आए हैं, ठीक है, बाकी चीजें बहुत आम थी और बहुत सारी इडियम्स में वो भी बताया गया आप लोगों को। काइमेरिकल, ठीक है, काइमेरिकल बोलते हैं जो बहुत ही, मतलब फैंटास्टिक हो, फैंटेसी वाला हो, ख्वाबो ख्यालों वाला हो, ठीक है, तो उसका क्या होगा, रियलिस्टिक। आप इसको ये भी कह सकते हैं, काइमेरिकल का मतलब होता है अनरियलिस्टिक, तो इसका ऑपोजिट होगा रियलिस्टिक। अननेचुरल, ये काइमेरिकल से के सिनोनिमस है। वंडरफुल, ये भी सिनोनिमस कह सकते हैं आप, क्योंकि ख्वाबों में जो हम फैंटेसी करते हैं, जो फैंटेसाइज करते हैं, वो बहुत ही वंडरफुल होता है ना, ख्याली पुलाव कभी भी खराब नहीं पकता, तो वंडरफुल इसका सिनोनिमस हो जाएगा, लेकिन एंटोनिम रियलिस्टिक होगा, क्लियर है। अब ये वर्ड है लैकडेसिकल, लैकडेसिकल का मतलब होता है, लैकडेसिकल का मतलब
डल होता है, ठीक है, इसका मतलब डल होता है यानी कि फीका, लैकिंग इन जेस्ट, लैकिंग इन लाइफ, लैकिंग इन एनर्जी, ठीक है, लैकिंग इन एंथुसियाज्म, जोश में कमी होना, उसको लैक एडेजिकल बोलते हैं। जैसे कि स्टूडेंट वगैरह, अगर मान लो कि स्टूडेंट में कोई जज्बा नहीं, कोई जोश नहीं दिख रहा है, बिल्कुल खामोश बैठे हैं, ना कोई रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना कोई फीडबैक है उनका, तो उनको कह सकते हैं लैक एडेजिकल स्टूडेंट्स, ठीक है, जो डल होता है, जो समवन हु लैक्स लाइफ, हु लैक्स जेस्ट, who lacks energy, who lacks enthusiasm, जिसके अंदर जोश और जज्बे की कमी होती है, उसको lack adazical कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? Lively, जो लाइवली होता है, फुल ऑफ लाइफ होता है, जिंदा और जावेद होता है, जो जैसे कहते हैं ना, दिलों में बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, तो जिसके अंदर ये सारी बेताबियां होती हैं उसको लाइवली कहते हैं। जो नहीं होती, जिसके अंदर वो सब बेताबियां जिंदगी की, दिलों में जिसकी बेताबियां नहीं होती, तो वो lack adazical हो जाता है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए डायनामिक, अब जो यहां पर ऑप्शन है हमारे पास, एक है स्टैटिक, वियर्ड, स्ट्रेंज, स्टाउट। तो डायनामिक बोलते हैं यहां पर हम इसका मीनिंग, डायनामिक के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग ये होता है, वही मीनिंग सब जगह फिट होते हैं, प्रगतिशील, है ना, जो प्रगतिशील होता है, जो मतलब कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करता रहता है, हालात के साथ वक्त के तकाजों को पूरा करता हुआ उसमें अच्छे परिवर्तन आते रहते, उसको डायनामिक कहते हैं। तो स्टैटिक जो ठहरा हुआ होता है, ठीक है, उसका ये आंसर होता है, स्टैटिक इसका आंसर है। वियर्ड, स्ट्रेंज, स्टाउट वगैरह ये सब फिट नहीं बैठते, मीनिंग आपको मालूम इन चीजों का। अब देखिए, अब ये कितना आम सा है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, और ये बिल्कुल पढ़ाया गया है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब यही होता है एग्जैक्टली, आगे कुआं पीछे खाई, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी कि मैं ऐसे सिचुएशन में हूं कि आगे कुआं है और पीछे खाई है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कुएं में चला जाऊं या खाई में चला जाऊं, तो ऐसे सिचुएशन क्या होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, यानी कि टू बी इन अ डिलेमा, यानी दुविधा की हालत में होना, तजब्जुब की हालत में होना, गोमगो की हालत में होना, कुछ समझ में ना आना कि क्या किया जाए, इसको ऑप्ट किया जाए, कुएं में जाया जाए या खाई में गिरा जाए, और दोनों जगह नुकसान है, तो इंसान जो है बहुत ही डिलेमेटिक सिचुएशन में आ जाता है। तो टू लिव डेंजरसली बिल्कुल नहीं होगा, टू बी इन अ डेंजरस सिचुएशन तो हो सकता है, टू लिव डेंजरसली नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन ये डिलेमा का सिचुएशन, डिलेमा का मीनिंग ज्यादा देता है, डिलेमा ही अप्रोप्रिएट है, यानी कि आगे कुआं पीछे खाई, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। नेक्स्ट देखते हैं, टू बेल द कैट, ठीक है, टू बेल द कैट यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बहुत ही पुरानी बच्चों की कहानियों में ये होता है कि मतलब कई सारे चूहे बिल्ली के आतंक से, प्रकोप से, उसके हमले से, उसके जुल्म सितम से बहुत परेशान होकर चूहों ने एक मीटिंग बैठाई और ये कहा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें बिल्ली के आतंक से हम बचे रहें, उसको जुल्म सितम से बच जाएं। तो एक ने आइडिया दिया कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, जब बिल्ली आएगी घंटी की आवाज से हमें पता लग जाएगा और हम अपनी अपनी महफूज जगह में जाकर छिप जाएंगे। तो टू बेल द कैट यही है। तो एक बूढ़े चूहे ने कहा, जो तजर्बाकार था, तो उसने कहा कि तो वो सब तो ठीक है, आइडिया इज वेरी फैंटेस्टिक, इट्स वेरी यू नो काइमेरिकल, बहुत ही फैंटेस्टिक आइडिया है, बट हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अब उसके बाद किसी चूहे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये कहे कि हाँ मैं बांधूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, जो कोई भी ये कहता है कि आई विल बेल द कैट, इट मीन्स कि ही विल टेक लीड इन डेंजरस सिचुएशन, ठीक है, खतरे की घड़ी में वही आगे आएगा, वही लीड करेगा। तो इसका मतलब होता है टू टेक लीड इन डेंजर, यानी कि खतरे में लीड करना, लीडरशिप का रोल प्ले करना, नाउ के टू टाई अ बेल टू कैट्स ने ये तो कहानी का ही एज इट इज लिटरली रख दिया है, टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी, ये तो जब बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा उसके बाद का ये कॉन्सिक्वेंस है, ये उसके बाद का आउटकम है, नतीजा है, उसका परिणाम है ये, टू मेक नॉइज हल्ला करना नहीं, टू बेल द कैट का मतलब टू टेक लीड इन डेंजर, ठीक है, जो बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार होगा वही ऐसे खतरनाक सिचुएशन में लीड करेगा, ठीक है। अब बिल्ली के गले में घंटी बांधना चूहे के लिए कितना मुश्किल काम होगा, कितनी हिम्मत और कितने हौसला चाहिए, अपनी जान की बाजी भी लगाने की नौबत आ जाएगी या जान से भी हाथ धो बैठ सकता है।
अब ये देखिए एट वंस वीक्स एंड, ये भी मैंने करवाया है, बिल्कुल यही था। और उसके बाद क्या होता है, एट वंस वीक्स एंड, यानी के कुछ समझ में ना आना, अपनी समझ के आखिरी लेवल पे चले जाना कि अब इससे ज्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बोलते आई एम एट माई विट्स एंड, यानी कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या होता है, टू बी वेरी वीटी, ये तो नहीं होगा, ये ऑपोजिट है, टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज, जब इंसान कंफ्यूज हो जा, जब इंसान कंफ्यूज होता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। दूसरों को कंफ्यूज नहीं, तो दूसरों को एनॉय करना नहीं होगा, तो इसका आंसर है, इसका आंसर बी होगा, टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज, राइट। अब ये देखिए, टू ईट हम्बल पाई, इसे मतलब इधर हालिया तो शायद मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने करवाया है, लेकिन ये मैंने ये क्वेश्चन जरूर करवाया है, ये मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है। टू ईट अ हम्बल पाई, यानी के हम्बल पाई खा लेना, यानी के अपनी हार मान लेना, अपनी हार तस्लीम कर लेना, ठीक है। इसका मतलब होता है टू अपोलोजाइज एंड एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन, यानी कि माफी मांगना और ह्यूमिलिएशन को एक्सेप्ट करना, हार मान लेना। टू ईट चीप फूड, टू ईट स्लोली, टू डिफाई अथॉरिटी, ये नहीं होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड देखना है, और बहुत ही आसान था ये, बहुत ही आसान है, पहली ही नजर में इसका आंसर एलिजिबल होना चाहिए। इसके इसकी स्पेलिंग होती है एलिजिबल, ठीक है, क्या हो गया इसमें, एलिजिबल, ई एल आई जी आई बी एल ई, एलिजिबल का मतलब होता है आप योग्य होना, किसी काम के योग्य होना, एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन टू सर्टेन यूनिवर्सिटी, या मैं इस काम के लिए एलिजिबल हूँ, योग्य हूँ। ऑगमेंटेशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, रूडिमेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही, डिपेंडेंस की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। एलिजिबल की स्पेलिंग डबल एल नहीं होता, सिंगल एल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, सुपरसीड, प्रिविलेज, ओकेजनल, अकोमोडेट, तो बेटा इसका आंसर जो है ये सी है, क्योंकि ओकेजनल में डबल एस नहीं होता, सिंगल एस होता है, ठीक है, ये याद रखिए, सिंगल एस होता है, लाइक दिस। ओकेजनल, ठीक है, ओकेजनल, ओकेजन, ओकेजन, उसके बाद अल लगा दिया, ये एडजेक्टिव हो गया, ओकेजनल। अकोमोडेट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, प्रिविलेज की स्पेलिंग बिल्कुल सही, सुपरसीड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां देखते हैं, पर्टिनेंट, ऑडिबल, हिस्टोरिकल, डायलॉग, तो हिस्टोरिकल की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, इस पर बिल्कुल क्लियर है ये, इसमें तो किसी को मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा तो कभी हिस्टोरिकल आपने देखा ही नहीं होगा। हिस्टोरिकल, ठीक है, डायलॉग बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इसमें जो भी वर्ड है निम्नलिखित उसके हमें करेक्ट वर्डिंग देखना है, उसके क्या उसका मतलब, करेक्ट वर्ड उसका करेक्ट उसका मीनिंग क्या होता है। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल करना, जो कि टू रिपील का मतलब भी होता है, खारिज कर देना, कैंसिल कर देना, तो सस्पेंड नहीं होगा, कीपिंग इन एबियंस नहीं होगा, कीपिंग इन एबियंस का मतलब भी वही होता है सस्पेंड का जो मतलब होता है, और टू ग्रांट स्टे ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये सब सब सारे मतलब ये तो ऑपोजिट हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो गया ये, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग, और एब्रोगेट तो पढ़ाया गया है, एब्रोगेट का मतलब भी बताया गया आप लोगों को, तो मैंने जैसा बताया ना कि अराउंड 20 जो है बिल्कुल एज इट इज आए हैं, उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ है ऑलमोस्ट। अब यहां देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, डाइजेस्ट, डाइजेस्ट क्या होता है, एक नॉवेल होता है, या कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ होता है, या डायरी केप्ट बाय नेवी ऑफिसर, या डायरी केप्ट बाय एन आर्मी ऑफिसर। तो डाइजेस्ट जो है आपने पढ़ा होगा, रीडिंग डाइजेस्ट, डाइजेस्ट में क्या होता है,
लॉ भी होता है, रूल्स भी होता है, उसमें इंफॉर्मेशन भी होता है, उसी को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट का एक मतलब यह भी होता है, कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। नॉवेल नहीं होता, नॉवेल कभी डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। नॉवेल अलग चीज है, डाइजेस्ट अलग चीज है। डाइजेस्ट का मतलब आप कौन सी चीज डाइजेस्ट कर पाते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन होता है, उसमें रूल ऑफ लॉ भी होता है। यानी कि कहते हैं ना कि कीप योरसेल्फ हेल्दी, तो कौन कौन से नियम आपको फॉलो करने, सारा कुछ डाइजेस्ट में मेंशन होता है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्राइड। अब ये तो आपको करवाया गया है, ये प्राइड का एंटोनिम क्या होता है, ह्यूमिलिटी। प्राइड किसी चीज पे फख्र करना, अकड़ना, घमंड करना, ठीक है, वो होता है इसका मतलब। और ह्यूमिलिटी इनकसारी होता है, विनम्रता होता है, ठीक है। डिसेंडेंट नहीं होगा, सक्सेसर सब्जेक्टिव, या बिल्कुल मुख्तलिफ मीनिंग रखता है, प्राइड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहां पर इसका सिनोनिम इमोरल का देखना है। इमोरल तो यहां पर बिल्कुल डेफिनेशन में ही है, इलीगल, इलेजिटिमेट, ये दोनों एक ही माने, मतलब इलीगल गैर कानूनी, इलेजिटिमेट नाजायज, और विद मॉरल्स तो ये इमोरल का ऑपोजिट है, हमें सिनोनिम देखना है। एन एक्ट अगेंस्ट मॉरल वैल्यूज, जो भी मॉरल वैल्यूज के खिलाफ कोई काम होता है, दैट इज कॉल्ड इमोरल एक्ट, ठीक है, इमोरल। चलिए अब इसका देखिए, प्रोवाइड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग, इसका वन वर्ड बताना है सब्स्टिट्यूट क्या होगा। अ बैरिस्टर और सॉलिसिटर इन लीगल प्रोसीडिंग, जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, लीगल प्रोसीडिंग होती है, उसमें जो सॉलिसिटर होता है, जो वकील होता है, या बैरिस्टर जो भी होता है, उसको क्या कहते हैं आप, तो काउंसिल होता है, वो आपको राय देता है कानूनी मामलों में, कानूनी दावपेच के बारे में आपको बताता है, वो आपको गाइड करता है, उसको बोलते हैं काउंसिल। काउंसिल अलग होती है, वो एक सभा होती है जिसमें लोग एक मीटिंग करते हैं, ठीक है। एडवाइजर, सलाह मशवरा देना, ठीक है। कंसाइनी, जो कंसाइन से आया है, कोई चीज कंसाइन होती है। अब ये देखिए, यहां भी आपको क्या देखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अ पर्सन ऑक्यूपाइंग लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट ऑनर्स कंसेंट, यानी कि जो मालिक है उसकी मर्जी के बगैर, उसकी रजामंदी के बगैर, ठीक है, वो किसी प्रॉपर्टी को या जमीन को कब्जा कर लेना, वो कौन होता है, वो इंसान स्क्वाइटर होता है, ठीक है, स्क्वाइटर होता है, टिनेंट, जो किराएदार होता है, ठीक है। ट्रस्टी, ये सारे अलग अलग पॉजिटिव मीनिंग है, ट्रस्टी है जिसको ट्रस्ट में दे दिया जाता है, ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। सूटर भी उसी तरह का होता है, ये सूटर आपको होमवर्क के तौर पे छोड़े जा रहा हूं ताकि आप लोग देख लीजिए सूटर का क्या मतलब होता है, सिनोनिम एंटोनिम के साथ देख लीजिएगा, कुछ आप भी होमवर्क कर लें। नेक्स्ट देखिए, विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब ये डब्ल्यू एच फैमिली का, यहाँ पे इफ और वेदर नहीं आना चाहिए, ठीक है, हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में कहीं है भी नहीं। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, यस बिल्कुल, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, तो ये पास्ट में सेंटेंस हो जाएगा, जो भी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। व्हाट आर यू डूइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। व्हाट आई वॉज डूइंग, व्हाट आई वॉज डूइंग यहां तो है लेकिन इंक्वायर्ड है यहां पर, ठीक है, इंक्वायर्ड नहीं होगा, आस्क होगा सिंपली, ठीक है, ही डायरेक्टेड भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और इंक्वायर्ड भी देखिए आई वाला है, ई वाला होता तो हम थोड़ी देर के लिए सोचते भी। अब द वर्ड अशोका, अब कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, दिस इज द वेरी बेसिक थिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज है, जो किसी के खास नाम हो, किसी इंसान का, किसी जगह का, ये किसी चीज का, तो ये प्रॉपर नाउन है। जैसे अशोका एक इंसान का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, उसी तरह पटना हो गया, उसी तरह दिल्ली, ये प्रॉपर नाउन है, जगह का खास नाम है, या पैनासोनिक का कोई आइटम हो तो ये खास नाम है, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब यहां पर क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन idiom। अब idiom दिया हुआ है, बताइए इसको क्या परेशानी होगी इस idiom को करने में। Wolf in sheep's clothing, यानी के भेड़िया भेड़ के कपड़े में,
तो यानी कि भेड़िया अगर भेड़ के कपड़े में है तो वो भेड़ थोड़ी, वो तो है भेड़िया ही, ठीक है। तो हिपोक्रेट बोलते हैं, हिपोक्रेट यानी कि जो मुनाफिक होता है, ठीक है। भेड़ की गीदड़ की खाल में, शेर की खाल में गीदड़, अब वो शेर नहीं है, वो शेर की खाल पहन लिया लेकिन है वो गीदड़, जाहिर में कुछ है, बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है, वो उसको हिपोक्रेट कहते हैं। जेंटलमैन कभी हो ही नहीं सकता, ये हेल्पफुल भी नहीं होगा, ये फ्रेंडली भी नहीं होगा, ये हिपोक्रेट है ये, ठीक है। और यहां पर आपको सुटेबल ऑप्शन से इस ब्लैंक स्पेस को फिल करना है, क्या होगा, द डिसीजन टू रिड्यूस द पे स्केल्स, यानी कि पे स्केल जो भी पे करने का है, मतलब सैलरी कह लीजिए, जो पे स्केल है, सैलरी को कम करने का जो फैसला था, उसने वर्क फोर्स यानी जो लेबर थे, जो मजदूर थे या जो इम्प्लॉय थे, उसको क्या करेगा। जाहिर सी बात है, आपकी और मेरी अगर किसी की सैलरी कम हो जाए तो गुस्सा होंगे हम, नाराज हो जाएंगे, तो इनहेंस नहीं होगा, इंट्रिग्ड कंपोज नहीं होगा, इनसेंस जो बोलते हैं कि एक्सट्रीम एंगर को उभार देना, अराउज कर देना, ठीक है, बहुत गुस्सा आ जाना, उसको इनसेंस्ड बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, ये तो ये मेरे सब्जेक्ट का नहीं है, चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए ये तो बिल्कुल बताया गया है, ये आप लोग को भी याद होगा, मेंबर ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, मर्डर ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक न्यू बॉर्न चाइल्ड को जो अभी अभी पैदा हुआ है, या अभी मतलब, तो उसके मर्डर को क्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, छोटा बच्चा, उसके मर्डर को, उसके कत्ल को, उसके खून को इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। होमिसाइड क्या बोलते हैं, नरसंहार, ठीक है, इंसानों के कत्ल को होमिसाइड कहते हैं। रेजिसाइड जो किंग और क्वीन के कत्ल को रेजिसाइड बोलते हैं। फ्रैट्रिसाइड मर्डर ऑफ सिस्टर और ब्रदर को फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। इन्फेंटिसाइड मर्डर ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, ये बिल्कुल आपको बताया गया है, बिल्कुल हूबहू। अब ये देखिए, ये बिल्कुल एज इट इज आ गया यहाँ पर। ट्रायल विदाउट अ ज्यूरी इज कॉल्ड क्या, बेंच ट्रायल, ये तो आपको करवाया गया है ये। अब ये देखिए, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट, इसका ट्रस्ट होता है। जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप जो होता है वो कैसा रिलेशनशिप होता है, इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ठीक है। ये सिर्फ विश्वास पे, भरोसे पे, यकीन पे जो रिश्ता कायम होता है, जो रिश्ता होता है, उसको फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है, जो ट्रस्ट पे कायम होता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट पे हो, या कोई ब्लड रिलेशन पे हो, या किसी पैसे का लेन देन हो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट का है। जो कहते हैं ना कि ये अंबुजा सीमेंट, ये भरोसे का ताल्लुक है, भरोसे की बात है बस। जो रिलेशनशिप भरोसे पे होता है उसको फिड्यूशियरी कहते हैं। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज इंसेक्ट्स, इसमें कोई ऐसी बात, बिल्कुल एज इट इज ये आ गया है, ये एंटोमोलॉजी बिल्कुल एज इट इज आ गया है ये। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेट अस मीट द, ये प्रिंसिपल गलत है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ये भी गलत है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, और इसको या तो यूं कह लीजिए स्पेलिंग गलत है, ये इन दोनों की स्पेलिंग सही है, बट द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि विच वन, ए और बी, विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो प्रिंसिपल होता है, ये चीफ होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है, तो हम इसी प्रिंसिपल से मिलेंगे। और ये जो प्रिंसिपल होता है, इसका मतलब होता है उसूल, इसका मतलब होता है सिद्धांत। तो हम किसी उसूल से और सिद्धांत से क्यों मिलेंगे, हमें किसी इंसान से मिलेंगे, ठीक है। हम सिद्धांत को फॉलो करते हैं, है ना, एडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, उस पर अमल करते हैं, लेकिन हम मुलाकात किससे करेंगे, प्रिंसिपल से, ठीक है। ये प्रिंसिपल जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तंजीम का, संस्था का जो चीफ होता है, लाइक स्कूल ले लीजिए आप, जो हेडमास्टर होता है, वही प्रिंसिपल, आप कहीं पे प्रिंसिपल है, कहीं पे हेडमास्टर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब ये देखिए, कोई से मतलब एक वर्ड भी इधर उधर नहीं हुआ है इसमें। क्राइम्स यूजुअली इन्वॉल्विंग कनिंग एंड डिसीट रादर देन फिजिकल फोर्स, बिल्कुल एज इट इज कॉल्ड व्हाट, व्हाइट कॉलर क्राइम, है ना, व्हाइट कॉलर क्राइम, जिसके कमीज पे, जिसके कपड़े पे कोई दाग धब्बा नहीं लगा होता, बट दे कमिट दिस क्राइम, दे आर क्रिमिनल एक्चुअली। तो आपने देखा कि बिल्कुल जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल एज इट इज है, क्राइम्स यूजुअली, एक वर्ड भी इधर उधर नहीं है, ना कोई वर्ड का चेंज है, बिल्कुल जिस तरह हमने करवाया था, जिस तरह मतलब हमने जैसा क्वेश्चन रखा था, वैसे उन्होंने उठा के रख दिया हो, ठीक है।
तो मानो ऐसा हुआ कि उन्होंने हमारा क्वेश्चन देखा और रख दिया, आप यूं समझ लो इस तरह से। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन है ना। अभी जो हम लोग मैराथन करवा रहे थे उसमें काफी एनालॉजिकल क्वेश्चन हमने करवाए थे उसमें, और बिल्कुल देखिए बस एक चीज है कि कार गैराज, यानी कि गैराज क्या होता है, जहां पे कार पार्क की जाती है, जहां पे कार को पार्क किया जाता है उसको गैराज कहते हैं, और जहां पे एरोप्लेन को पार्क किया जाता है उसको हैंगर कहते हैं। तो ये मैंने बताया तो था ये हैंगर किसे कहते हैं, एनालॉजी का आया था कि जो रिलेशन इसका है वो रिलेशन इसी का है, तो आया था कि हैंगर का मतलब क्या होता है, एरोप्लेन पार्क करने की जगह। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया था कि ऐसी जगह जो एयरक्राफ्ट को रखने के लिए जो जगह, जो एक एम्प्टी स्पेस होता है फ्लोर पे, बड़ी सी जगह होती है जहां पे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है, एयरक्राफ्ट रखने के लिए जो वो जगह यूजुअली इस्तेमाल होती है उसको हैंगर कहते हैं। तो वही वहां पर वो भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का था, बस यहां पे एनालॉजी के फॉर्म में आ गया है, चीजें वही है, एरोप्लेन हैंगर। अगर कार गैराज का रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया तो एरोप्लेन के बाद हैंगर होगा, इसको समझने में आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। हार्बर बोलते हैं और पोर्ट बोलते हैं, सब बंदरगाह होता है, ठीक है, जहां पे शिप वगैरह पार्क होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, ये बस इतना ही क्वेश्चन आया था इंग्लिश सेक्शन से, ये सेक्शन सेट ए है। ये उम्मीद है कि आप लोगों ने, क्योंकि जो हमने पढ़ाया एज इट इज, बिल्कुल ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन एज इट इज आ गया है, और बाकी जो हमने रूल आपको बताया बहुत सारा ऐसा है जो बस थोड़ा सा इधर उधर, अगर हल्का सा आप अगर अपना दिमाग लगाते या लगाए होंगे तो बिल्कुल 100% वो आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा, करेक्ट होगा। चलिए ठीक है, ये आंसर लेकर आए थे हम AMU BLLB का, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। और बस थोड़ी देर के बाद फैसल सर जो है GS और एप्टीट्यूड का आपके पास आंसर लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। बिल्कुल जस्ट आई विश यू ऑल, यू नो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर दिस इंट्रेंस एग्जामिनेशन। बस फैसल सर कुछ ही देर में हाजिर होंगे आंसर लेकर आपके सामने GS और एप्टीट्यूड का। थैंक यू वेरी मच।